अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अलीव फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, टेक न्यूज की नई एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं। और यार, टेक न्यूज ऐसी सीरीज है हमारे चैनल पर जहां आप लोगों का प्यार काफी ज्यादा मिल रहा है हमें। यहाँ दोस्तों, जो भी लाइक टारगेट रखते हैं आप लोग एक दिन में ही पूरा कर देते हैं। थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू। तो आज की जो वीडियो है उसका लाइक टारगेट होने वाला है 3000 लाइक। काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक से, लेकिन सिर्फ लाइक मैं आप लोगों से नहीं मांगता, मैं आप लोगों के लिए कुछ गिवेवेज भी लाता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो का गिवेवे होगा रोनेन R007, एक गेमिंग हैंड फ्री है जहाँ माइक भी मिलता है और जहाँ साउंड क्वालिटी भी पबजी के लिए स्पेशली काफ़ी बेहतर मिलती है। एक प्रोडक्ट नहीं होगी, ये दो प्रोडक्ट्स होंगी, दो गिवेवेज मिलेंगे। गिवेवे के लिए क्या करना है आपको एंड पर मैं बता दूंगा, लेकिन जो पुराने गिवेवेज हैं वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं, वो भी मैं एंड पर बात करूंगा। तो ज़्यादा बोर नहीं करता, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, स्टार्ट कर लेते हैं टेक न्यूज़ की बात को। तो आज की सबसे पहली टेक न्यूज़ निकल कर आती है मोटोरोला की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर हमें मोटोरोला वन मेक्रो और मोटोरोला G6 देखने को मिले जिन्होंने इतना अच्छा बिजनेस जनरेट नहीं किया, लेकिन फाइनली अब मोटोरोला भी जो है वो चेंजिंग करता हुआ आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब 2020 में तो आपको एक पंच होल डिस्प्लेस का ट्रेंड देखने को मिलेगा, कहीं आपको दो कैमराज मिलेंगे, कहीं सिंगल कैमरा देखने को मिलेंगे। मोटोरोला की तरफ से कन्फर्म किया जा रहा है एक मॉडल को जो कि मोटोरोला G8 मॉडल है। एक पंच होल IPS डिस्प्ले होगा जो कि 6.5 इंचेस का होने वाला है। 1080p का रेजोल्यूशन फाइनल किया जा रहा है। रियर पर आपको मोटोरोला का टिपिकल एक डिजाइन देखने को मिलेगा जहां तीन कैमराज एक फ्रेम में लगाए गए हैं, एक कैमरा अलग फ्रेम में लगाया गया है, वहीं फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर में देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि ये कुछ 4500mAh की बैटरी के साथ आएगा। और यहां अगर प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो स्नैपड्रैगन 665 आपको देखने को मिलेगा, 4GB 64GB 4GB 128GB के दो वेरियंट्स आने वाले हैं। वहीं कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो रियर का मेन सेंसर 16MP का है। फ्रंट सेल्फी को अभी तक बताया नहीं गया कि क्या स्पेसिफिकेशन होंगी फ्रंट सेल्फी की। वहीं अल्ट्रा वाइड सेंसर 8MP, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का ही आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो यार, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मोटोरोला को भी चाहिए कि इन्फिनिक्स, टेक्नो, रियलमी, रेडमी आने के बाद एग्रेसिव प्राइस रखेगा तो ठीक है, बिजनेस जनरेट करेगा। अदरवाइज वही होगा जो कि मोटोरोला वन मेक्रो के साथ हुआ, जो कि मोटोरोला G6 के साथ हुआ। वैसे आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो मोटोरोला की डिवाइसेस को बाय करेंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस इस मॉडल की भी 30,000 के राउंड अबाउट होने वाली है, क्योंकि एक मिड रेंज की स्पेसिफिकेशन है। देखते हैं पाकिस्तान में मोटोरोला क्या प्राइस रखता है। वहीं बात कर लेते हैं कुछ अगली न्यूज की। अब अगली न्यूज निकल कर आती है ओप्पो की तरफ से। जी हां दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा ओप्पो F15 और ओप्पो A31 पाकिस्तान में कब आएंगे। यार, इनको थोड़ा सा लेट किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना में कोरोना वायरस का इशू चल रहा है जिसकी वजह से काफी ज्यादा मॉडल्स लेट हो रहे हैं, डिले होते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ओप्पो लॉन्च करेगा अपने फ्लैगशिप सीरीज, जो पाकिस्तान में उसकी फ्लैगशिप सीरीज है रेनो सीरीज। यहां दोस्तों, रेनो 3 और रेनो 3 प्रो को पाकिस्तान की मार्केट में 19 मार्च को लॉन्च कर दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करूं तो यार, रेनो सीरीज जब इंट्रोड्यूस करवाई गई थी पाकिस्तान की मार्केट में, रेनो जो सिंपल वेरिएंट था शार्फिन कैमरा के साथ आता था और काफी अट्रैक्टिव डिजाइन था, वो आपको 65,000 से 70,000 रुपए की रेंज में मिल रहा था और काफी इग्रेसिव स्पेसिफिकेशन थी उस टाइम के हिसाब से। और रेनो 10X जो जूम था वो आपको मिल रहा था 110,000 के राउंड अबाउट। लेकिन आप थोड़ी सी प्राइजेस को थोड़ा सा ओप्पो भी अग्रेसिव लाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, रेनो 3 की प्राइस अंदाजन जो है वो 60,000 के राउंड अबाउट हो सकती है। वहीं अगर रेनो 3 प्रो की बात करें, हीलियोपी 95 एक अच्छा प्रोसेसर है और यहाँ आपको डुअल पंच होल कैमरा भी मिल रहा है और 44MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, जो कि दुनिया का मेरे ख्याल में पहला फोन है ओप्पो रेनो 3 प्रो जहाँ आपको 44MP का मेन सेंसर देखने को मिल रहा है। अब इसकी अगर प्राइस की बात करूं, यार एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मार्केट में 80,000 के राउंड अबाउट लॉन्च किया जाएगा। और मैं अगर देखूं, डिजाइन काफी अच्छा है, कैमरा स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी है, देखते ये है कि कितना ऑप्टिमाइज है और कितना टक्कर दे पाता है बाकी ब्रांड्स को इस रेंज के अंदर। वैसे 19 मार्च के बाद इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल हम अनबॉक्सिंग भी देंगे और रिव्यूज भी देंगे। कुछ चीजें लेट हो रही हैं, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो अगली न्यूज की बात कर लेते हैं। तो अगली न्यूज है जी दी ब्रांड की तरफ से, सब जानते हैं दी ब्रांड है सैमसंग। सैमसंग S20 अल्ट्रा के लिए भाई अनबॉक्सिंग नहीं कर रहे यार। एक्चुअली मैंने प्री बुकिंग में बुक कराया था, लेकिन सैमसंग के पास इतनी डिमांड आई S20 अल्ट्रा को लेके कि सैमसंग पाकिस्तान, फिलहाल पाकिस्तान में जो स्टॉक है उसको पूरा नहीं कर पा रहा। जी हाँ दोस्तों, अब मुझे ये बताया जा रहा है कि 17 तारीख को जो प्री बुकिंग है उसमें मुझे दिया जाएगा, 17 तारीख के बाद ही आपको अनबॉक्सिंग दे सकूंगा। लेकिन डोंट वरी, हम इसके बहुत सारे कंपैरिजन करने वाले हैं, स्टे ट्यून। हमारे चैनल पर जरूर आपको कंपैरिजन मिलेंगे बहुत सी डिवाइसेस साथ। वैसे आप किस फोन से कंपेयर करना चाह रहे हैं S20 अल्ट्रा को, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वाकई यार, डिवाइस बड़ी अग्रेसिव स्पेसिफिकेशन के साथ है तो शॉर्टेज तो बनती है। वहीं बात कर लेते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज निकल कर आती है रेडमी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पहली न्यूज ये है कि रेडमी ने IPS डिस्प्ले में अंडर जो स्क्रीन है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसका तजर्बा जो है वो कामयाब कर लिया है। अब लगता ये है
कि Redmi अपने जो नए फोन लाएगा जो कि क्वार्टर टू या क्वार्टर थ्री में हमें मिलेंगे, वहां कुछ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेंगे और वो भी IPS डिस्प्ले के साथ। यहां ली जोन जो है उनकी तरफ से कुछ लीक्स निकल कर आ रही हैं, जहां ये कंफर्म किया जा रहा है कि Redmi ने टेस्ट आउट कर लिया है अंडर स्क्रीन डिस्प्ले एक IPS पैनल पर। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये अगले फोन में हमें क्लियर हो जाएगा। वहीं Redmi की अगली न्यूज है, Redmi पाकिस्तान की तरफ से Redmi 8A का स्टॉक अवेलेबल है ऑफलाइन मार्केट में, 16,000 प्राइस रखी गई है। लेकिन यहां ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि Redmi 8A डुअल भी पाकिस्तान की मार्केट में आएगा, जहां सिर्फ आपको बैक पर दो कैमराज मिलेंगे 12+2 मेगापिक्सल के, बाकी वही स्पेसिफिकेशन होगी जो कि Redmi 8A की है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज्यादा रखेगा Redmi। देखते ये है कि Redmi कितना एग्रेसिव आता है, क्या प्राइस रखता है Redmi 8A डुअल की। वहीं बात कर लेते हैं Redmi Note 9 Pro, बहुत हाई बनाई है भाई Realme 6 और 6 Pro के बाद Redmi ने। Redmi Note 9 Pro को लेके परसों 12 मार्च को लॉन्च कर देगा Redmi इंडिया में, लेकिन यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन लीक्स और रूमर्स निकल कर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये स्पेसिफिकेशन Redmi Note 9 Pro की होंगी, लेकिन इस लीक को देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस एक LCD गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन वाला LCD पैनल मिल रहा है। वहीं 4GB 64GB 6GB 128GB कलर्स को भी मेंशन किया गया है। 16 MP का फ्रंट कैमरा बताया जा रहा है और रियर कुछ 48 MP का बताया जा रहा है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। Redmi हमेशा अपना जो नया सक्सेसर लाता है वह कुछ एग्रेसिव स्पेसिफिकेशन रखता है। प्रोसेसर यहां पर 720G को कंफर्म किया जा रहा है और साथ ही 5020mAh की बैटरी और 18 वॉट को फाइनल किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि Redmi Note 9 की स्पेसिफिकेशन है, जहां सिर्फ और सिर्फ Note 9 Pro को लीक कर दिया, मुझे नहीं लगता। लेकिन परसों ये कंफर्म हो जाएगा Redmi Note 9 Pro क्या स्पेसिफिकेशन में आता है। अगर इस स्पेसिफिकेशन में आएगा तो भाई Redmi Note 8 Pro ले लो, वो ज्यादा बेहतर है इससे, इन स्पेसिफिकेशन से। देखते हैं ये कि Redmi परसों क्या एंट्री करता है क्या नहीं करता। वैसे आप में से कितने दोस्त Redmi Note 9 Pro का वेट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम बात कर लेते हैं अगली न्यूज की, तो Redmi की न्यूज कर ली, अब Redmi का पेरेंट ब्रांड Xiaomi। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi ने रिसेंटली चाइना में लॉन्च किए थे Mi 10 और 10 Pro, लेकिन यहां न्यूज ये निकल कर आ रही है कि ग्लोबली 27 मार्च को लॉन्च करने जा रहा है Mi 10 और 10 Pro को Xiaomi, जो कि ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद आपको 15 से 20 दिन मतलब अप्रैल के मिड तक कहीं पर आपको पाकिस्तान की मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगली न्यूज की बात कर ले तो टेक्नो 15 और 15 प्रो को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है टेक्नो 25 जो है मार्च, कोरोना वायरस की वजह से सारी चीजें लेट हो रही हैं, 25 मार्च या 23 मार्च जो कि हमारा नेशनल डे होगा, शायद उस दिन लॉन्च किया जाए। उसके बाद जो स्टॉक की अवेलेबिलिटी है वो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में ही बताई जा रही है। लेकिन अगली न्यूज बहुत जबरदस्त होने वाली है। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो न्यूज है वो हमारे चैनल पर ही आपको ब्रेक होती हुई मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स की तरफ से ये न्यूज निकल कर आ रही है और इस दफा ये स्पेसिफिकेशन दिल गार्डन करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पहली न्यूज ये है कि इन्फिनिक्स S5 और S5 Pro बहुत जल्दी पाकिस्तान की मार्केट में आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। लेकिन असल न्यूज ये है कि इन्फिनिक्स की जो नोट सीरीज है, जो वेल नोन सीरीज है इन्फिनिक्स की तरफ से भी, जी हाँ दोस्तों, यहां उसका एक नया वर्जन, नया मॉडल लाया जा रहा है जिसका नाम लगभग इन्फिनिक्स नोट 7 होने वाला है। लेकिन इस फोन की खास बात इसका डिजाइन, इसका स्पेसिफिकेशन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक पंच होल डिस्प्ले होगा जो कि 6.9 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले होगा। स्क्रीन इनटू बॉडी रेशियो 86% प्लस बताई जा रही है। रियर की डिजाइन की बात करें तो टोटली 1+17 नजर आता है। एक मिड रेंज सेगमेंट में ये डिजाइन काफी खूबसूरत है। एक आपको सर्कल शेप में रियर पर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जहां 4 कैमरास को लगाया गया है। मेन सेंसर मैं बता देता हूं कि यहां 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। सेल्फी 16 मेगापिक्सल की होने वाली है और यहां साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड होगा, क्योंकि जो पिक्चर निकल कर आई है यहां पर रियर पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिल रहा। इस फोन की एक और हाईलाइटिंग फीचर होगा। जी हां दोस्तों, इस फोन के अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो हीलियो P70 बताया जा रहा है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। एक अच्छी परफॉर्मेंस भी हमें इस प्रोसेसर की देखने को मिल रही है और अगर ये प्रोसेसर 30,000 से नीचे आता तो मेरे हिसाब से काफी बैलेंस प्रोसेसर है, क्योंकि गेमिंग भी यहाँ काफी बेहतर मिलती है। और वहीं रैम और रोम की वेरिएंट की बात की जाए तो 4GB 64GB 4GB 128GB हो सकता है कि यहाँ पर एक मॉडल नोट 7 हो और एक मॉडल नोट जो 7 LTE वर्जन हो, 4G वेरिएंट हो। देखते ये है कि इन्फिनिक्स कितने एग्रेसिव एंट्री करता है। 4000mAh बैटरी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और माइक्रो USB की कनेक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यार सीरियसली, इस मॉडल ने मेरा दिल खुश किया। लुक काफ़ी खूबसूरत है, 3D कर्व बिल्ड क्वालिटी टाइप रखी गई है रियर साइड पर। पाकिस्तान की मार्केट में इसको लॉन्च किया जाएगा अप्रैल के स्टार्ट वीक भी कह सकते हैं या अप्रैल के मिड में। लेकिन अगर ये फोन आता है ना यार, अगर Redmi फिलहाल अपना फोन कोई नहीं लाता और Realme इस रेंज के अंदर कोई फोन नहीं लाता, तो यार यकीन माने इस फोन की ऑन पेपर अगर स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो ये एक मिड रेंज सेगमेंट का एक अच्छा फोन होने वाला है। वैसे आपको कैसा लगा डिजाइन,
जो इन्फिनिक्स नोट 7 है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये न्यूज जो है हमारे चैनल पर ही सबसे पहले अपलोड हो रही है, तो इसके लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। वेल, अपनी आखिरी न्यूज की बात कर लेते हैं, तो आखिरी न्यूज निकल कर आती है हुआवे और ऑनर की तरफ से। पहले मैं अच्छी न्यूज की बात कर लेता हूं। जी हां दोस्तों, ऑनर 9X का सक्सेसर ऑनर 10X बहुत जल्दी ऑनर लॉन्च करने जा रहा है, ग्लोबली मार्केट भी कह लें, चाइना की मार्केट भी कह लें। लेकिन यहाँ प्रोसेसर को भी चेंज किया जा रहा है, फिलहाल डिजाइन स्पेसिफिकेशन नहीं कंफर्म की गई, सिर्फ एक हिंट दिया गया है प्रोसेसर को लेके। आपको हाई सिलिकॉन किरिन 820 मिल जाएगा, जो कि एक 5G वेरिएंट होने वाला है और 5G प्रोसेसर होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में फिलहाल 4G चल जाए तो बहुत बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऑनर 10X के अंदर आपको एक नया चिप देखने को मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल हाई सिलिकॉन किरिन 810 भी किसी भी डिवाइस में नहीं मिला। वैसे मैंने ऑनर 9X में चेक किया था, काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज, काफी ज्यादा फास्टेस्ट चिप निकल कर आती है। लेकिन देखते ही हैं कि ऑनर 10X पाकिस्तान की मार्केट में कब आता है और ग्लोबली क्या क्या स्पेसिफिकेशन लेके आता है, क्या डिजाइन लेके आता है। वहीं बात कर लेते हैं अपनी आखिरी न्यूज जो हुआवे की तरफ से है Y7P को लेके। यार मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था इस डिवाइस की प्राइस जो थी वो होनी चाहिए थी कुछ 25,000 रिटेल प्राइस, ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट के साथ कुछ इसके पैसे होने चाहिए थे 22,000 से 23,000। लेकिन पता नहीं हुआवे की जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान की वो क्या सोचती है। विदाउट गूगल मोबाइल सर्विसेज 29,000 रुपया इसकी प्राइस रखी गई है। मेरे हिसाब से बाकी जो ब्रांड्स हैं वो आपको बेहतर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस रेंज के अंदर। अभी भी हुआवे को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की मार्केट है भाई, अब कंपटीशन बढ़ चुका है, रेट एग्रेसिव दोगे आप अपनी मोबाइल सर्विसेज को अगर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो आपको प्राइस जो है वो कम रखनी चाहिए। वैसे आप में से कितने दोस्त मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की इस टेक न्यूज़ में इतना ही है। और Y7P की अगर बात करूं तो यार परसों के बाद मतलब 13 तारीख को अवेलेबल कर दिया जाएगा ऑफलाइन मार्केट में। लेने से पहले अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ देख लीजिएगा, उसके बाद अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही है। बस गिव अवे के लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लेकिन इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि हम 12 मार्च को लाइव आएंगे इंस्टाग्राम पर, केक भी काटेंगे और सारे अब तक के जो पेंडिंग गिव अवेज हैं वो आपको मिलेंगे। और आज वाला गिव अवे भी आपको 12 मार्च को अनाउंस किया जाएगा। और जिन लोगों को गिव अवे नहीं मिले, यार मैंने आपको एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्टिल मास्टर कम्युनिटी, काइंडली उस पर मुझे मेल कर दें, आप मेरी टीम जो है वो आपको गिव अवे भिजवा देगी। बस आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई न्यूज़, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यूज़ के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूँ लिए बास मास्टर से पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।